शांति। आज 24 दिसंबर 2021 के बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं। तुम 52 थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से 52 बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गंवाया? ये हिसाब बाबा पूछ रहे हैं। तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था, वह ऐसा कैसे बन गया? अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग के मालिक बनो। ओम शांति। बच्चे यहां किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। यह तो बच्चे समझते हैं पावन नई दुनिया सतयुग को, पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहां बैठे हो? कलयुग के अंत में इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन है? अहम आत्मा। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो फिर शरीर भी पतित है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। पावन बनाने वाला बाप, पतित बनाने वाला रावण। पावन सतयुग को पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अभी बहुत जन्म के अंत के भी अंत में हो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, जो गॉड फादर लिबरेटर और गाइड भी है, हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ। बाबा के हर एक अपने लिए परमात्मा से कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थाई शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहां से फिर आत्माएं पाठ बजाने आती है। वहां सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती है, वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहां आत्माएं रहती है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, 84 जन्म लगे हैं, ये 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप
और ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव एडम दादा। दादा में बाप आते हैं, आदि देव एडम दादा, दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, ये पतित पावन आओ। आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया है, मुख्य है तो आत्मा ना, यह है ही दुख धाम। यहां देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है, छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सत्युग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, यहां तो बैठे बैठे मर जाते हैं। वहां ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, नाम कहने से ही दिल खुश हो जाती है। सत्युग हेवन पैराडाइज क्रिश्चियन भी कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहां भारतवासियों को तो ये पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी उन्हों के ही है। आधा कल्प बाद और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो भी इस्लामी बौद्ध ही नहीं थे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसीलिए मनुष्य समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है, फिर सत्युग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम अब स्वर्गवासी थे, बाबा कहे तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। फिर जैसे ही नीचे आते हैं तो पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगर तो आत्मा बोल न सके, वहां शरीर न होने कारण आत्मा शांत रहती है, उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन परम धाम का शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो मनुष्य ने बनाए हैं, सत्युग में ये होते नहीं, भक्ति ही नहीं करते इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं रहती। देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं, वह है ही देवताओं की दुनिया, यह है मनुष्य की दुनिया। देवताओं का राज्य था अभी नहीं है, कोई को पता नहीं कहां गए वो देवताएं, कहां गए बाबा कहे कोई को पता नहीं। इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, ये नॉलेज अभी तुमको मिलती है, और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं, बाप ही आकर मनुष्य को ये नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो किस लिए, बाबा कहे तुम यहाँ आते ही हो किस लिए, मनुष्य से देवता बनने। देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि पीते नहीं, वह है देवताएं। यहां है सब मनुष्य, वह पावन वह पतित, देवताएं पावन राज के मनुष्य पतित। बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, शास्त्र में यह बातें नहीं है। सत्युग में रावण होता ही नहीं है, दुख का नाम नहीं, फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है, फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। स्मृति जागृत करते बाबा कि सत्युग में तुम्हारे पास अथाह धन रहता है, भक्ति मार्ग में तो मंदिर बनाते हो, पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर,
बड़े बड़े हीरे जवाहरत थे तुम्हारे पास, उनकी कोई कीमत कर नहीं सकते। मुख्य है सोमनाथ का मंदिर, परंतु राजाएं तो सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे, क्योंकि उन्हों को पूजा करनी होती है। पूजा पहले पहले होती है शिव की, इसलिए द्वापर युग में हर राजाओं के महलों में शिव का मंदिर जरूर होता था। सोमनाथ भी शिव को कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूं, तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूं कि तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि बहुत जन्म के अंत का यह जन्म है ना, यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा है ना, म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र है जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहां के हम रहने वाले हैं, फिर यहां आकर पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए, इस बात का निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाने वाला साक्षात परमपिता परमात्मा है। तो बाबा कहे, बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, यह तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर, उनको कोई नहीं जानते हैं। कहते भी है ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है ये कोई नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है, कहेंगे वह तो घट घट के वासी है, सबके अंदर है। अब हर एक के घट घट में तो हर एक की आत्मा बैठी है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम मुझे बुलाते हो यह धंधा यह सेवा कराने लिए, हम छीछी को आकर शुद्ध बनाओ। बाबा को पुकारा, हम छीछी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हैं, परमात्मा को निमंत्रण भी कहाँ देते हैं। बाबा कहे, पतित दुनिया में तो हमको निमंत्रण देते हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहां जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया है, पहले पहले हैं ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहा जाता है, यह कोई को पता नहीं है। बहुत है जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं, पुण्यात्मा बनते बनते पापात्मा बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है ना, बाबा को भी लगता है माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पापात्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र पुण्यात्मा है नहीं, पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी है ही रावण राज्य पतित दुनिया, इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल, सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अक के भी फूल मिलेंगे,
परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते हैं। शिव के ऊपर अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं? यह भी बाप समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतिये का, कोई रतन ज्योत का और कोई अक के भी है। नंबरवार तो है ना, तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सत्युग है अमर लोक, नई दुनिया बनाने वाला है बाप, नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है, वह चैतन्य बीज रूप है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी है, यह मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाबा कहे भगवान को ज्ञान का सागर कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर बैठे सबकी बातों को जानते हैं या अंतर्यामी है, ये मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान सागर ठीक है, चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, यह चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है, यही संगम का समय है जब दुनिया चेंज होती है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप के जो बच्चे बनते हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात ये समझने की है, बाबा बाबा भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। बाबा बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं, यह बातें कोई शास्त्र में है नहीं। शास्त्र तो इस दादा ने बहुत पढ़े हैं, बाप नहीं पढ़ते हैं। बाबा को शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, करके सिर्फ रेफर करते हैं। सो भी सिर्फ गीता को, सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं तो यह जैसे डिफेम करते हैं, भगवान की ग्लानी करते हैं, बाप की इंसल्ट करते हैं, इसलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनाए? जिसको इतना डिफेम किया है वही आकर पावन बनाते हैं, कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख का और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वह सब आते ही है बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था, हम आत्माएं शांति धाम में थी। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सदगति करते हैं जिसका नाम गीता रखा है। बाप को बुलाते हैं आकर यहां से स्वर्ग में ले चलो, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज तूफान आएंगे बहुत जोर से,
बाप आकर बेसमझ से समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहाँ गंवाया। हिसाब पूछ रहे बाबा, इतना सब कहाँ गंवाया। बेहद का बाप पूछते हैं, कहाँ किया, तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए। आधा कल्प से धन गंवाते गंवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया था, सो अब क्या बन गया है। फिर पति पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग तो दोनों के लिए है। वह तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं, वह योगासन अक्सर पुरुष सीखते हैं। अब बाप कहते हैं, पुरुषार्थ कर, स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है, लड़ाइयां भी शुरू हो जाएगी। एटॉमिक बॉम्ब शुरू कर तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। तब तक बाबा स्वर्ग के लायक बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, याद की यात्रा करते रहो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देवता बनना है इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरी पॉइंट, फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहां जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने लिए सिमरण करते हैं। यहां जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे, इसके लिए योग युक्त बन। श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सिमरण योग्य बनेंगे, उसके लिए बाबा कहे योग युक्त बन। योग युक्त बनने से हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता, यह भी कनेक्शन है। आज का स्लोगन है, निमित और निर्माण चित, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित और निर्माण चित, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, Subscribe us on youtube.com/